कोरोना वायरस एक ओर जहां तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ऐसा पांचवा देश बन चुका है जिसने कोविड-19 के वायरस को आइसोलेट करने में सफलता हासिल कर ली है। भारत से पहले चीन, जापान, थाईलैंड, अमेरिका इस वायरस को आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बता दें कि अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 1.35 लाख यानी 1,35,000 से भी अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। सिर्फ भारत में ही कोरोना वायरस के 110 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और अब तक 2 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से जुड़ी अब तक की पूरी अपडेट देंगे और ये भी बताएंगे कि कोरोना वायरस से मुकाबले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल क्यों है। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के वैज्ञानिक RR गंगा खेड़कर बताते हैं कि कोरोना वायरस आसानी से आइसोलेशन में नहीं आता है। ऐसे में इसे आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल कर लेना एक बड़ी सफलता है। इसकी वजह से दवा बनाना और उसकी टेस्टिंग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर दवा की टेस्टिंग के लिए उस विषाणु की ज़रूरत होती है जिसके खिलाफ दवा बनाई जाती है। अगर आसान भाषा में कहें तो वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस का पूरा सैंपल मानव शरीर के बाहर रखने में सफलता मिल चुकी है। ICMR के ही डॉक्टर बलराम भार्गव भी कहते हैं कि यह बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे दवा, वैक्सीन और टेस्टिंग किट बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस का आइसोलेशन काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ICMR के विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना वायरस के आइसोलेशन से ये भी पता लगाना आसान हो जाएगा कि वो पैदा कैसे हुआ था, और साथ ही उसकी बायोलॉजी भी समझ में आ जाएगी। बता दें कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन अब तक बन सकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से मुकाबले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल क्यों है। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा होने के बावजूद भारत में केवल 110 मामले और 2 मौतें हुई हैं। वहीं इटली और अमेरिका जैसे विकसित देश भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों को 6 बार बाहर निकाला। भारतीय वायुसेना ने वुहान से कुल 723 भारतीयों और 37 विदेशी नागरिकों को निकाला। इसके बाद 10 मार्च को ईरान से 58 भारतीय जायरीनों को भी निकाला। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। अपने पड़ोसी देशों को राजनयिक मानवीय चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा रविवार को PM मोदी ने सार्क नेताओं के साथ बैठक में एक कोरोना फंड की भी घोषणा की, जिसमें भारत $10 मिलियन का सहयोग देगा। इसके अलावा भी कई बड़े कदम उठाकर भारत दुनिया के लिए एक नजीर पेश कर रहा है। आई प्रपोज वी क्रिएट ए COVID-19 इमरजेंसी फंड। दिस कुड बी बेस्ड ऑन वॉलेंट्री contributions फ्रॉम ऑल ऑफ अस। इंडिया कैन स्टार्ट विथ एन इनिशियल ऑफर ऑफ $10 मिलियन फॉर दिस फंड। भारत ने अपने नागरिकों और विदेशियों का परीक्षण करने के लिए रिकॉर्ड समय में देश में 56 वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब यानी VRDL स्थापित किए। अगले महीने तक यह संख्या दोगुनी करने की योजना है। भारत ने अपने 6,000 नागरिकों के परीक्षण के लिए ईरान में अस्थायी परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए चोटी के वैज्ञानिक भेजे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ईरान ने भारतीय नागरिकों का परीक्षण करने से इनकार कर दिया था। भारत अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए अगले सप्ताह 3 और जहाज भेजने की योजना बना रहा है। भारत ने मालदीव को 14 सदस्यीय मेडिकल टीम भेजी है। इनमें एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन, लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। मालदीव के चिकित्सा अधिकारियों की मदद के लिए दवाइयां भी भेजी गई हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत किस तरीके से पूरी दुनिया में अव्वल तौर पर कोरोना से निपटने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही खबरों के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।